अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 सेंटेंस की मदद से आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये फैक्ट है स्टूडेंट्स। आज मैं 5 सेंटेंस की मदद से आपको प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा और आप बोलेंगे। पूरे सेशन को एंड तक देखना और एक एक टिप्स जो मैं देने वाला हूं इसको प्रैक्टिकली 10-15 डेज तक दोहराना। 10-15 दिन तक आपको डेली इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी जिसे मैं बताने वाला हूं। मेरी 100% गारंटी है आप अपने अंदर एक चेंजेस फील करेंगे। बता दूं आपको कि 0-Janis सीरीज में ये आपका 4th वीडियो है। इस पर बेस्ड मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैं इंसिस्ट करूंगा उन सेशंस को आप जरूर देखें ताकि आपको 4th डे के सेशन में आप उसका पूरा फायदा ले पाए। साथ ही आपको बता दूं कि 0-Janis सीरीज में मैं आपको देने वाला हूं 25 लिस्टेड वीडियोस जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। साथ ही प्रैक्टिस वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो यहां से आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको टेंसेस आते हैं तो आप कहेंगे यस सर, हाँ मुझे टेंसेस आते हैं। जब टेंसेस आते हैं तो फिर बोल क्यों नहीं पाते, उनको प्रैक्टिकली यूज क्यों नहीं कर पाते। ये है वो 5 सेंटेंसेस जिनकी मदद से अभी से आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है भाई। सबसे पहला टेंस जो आपका है वो है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल, तीसरा है फ्यूचर सिंपल, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं ले रहा हूं, अभी आपको ये 5 टेंसेस पर प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है तो आपको बता दूं, इस टेंस में जो भी काम आप करते हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो भी काम करते हैं मतलब कि आप क्या क्या करते हैं अब मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। जी नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको इसको कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगा। आपको बोलनी है अपनी डेली रूटीन। जी हां स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्पीक योर डेली रूटीन इन योर ओन वर्ड्स, राइट? यू हैव टू स्पीक योर डेली रूटीन इन योर ओन वर्ड्स। कैसे बोलना है वो बता रहा हूं मैं, कि आपको सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहला सेंटेंस लिखना है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कम ऑन, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। देन आई गेट रेडी टू गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाने के लिए तैयार होता हूं। गेट रेडी, तैयार होना, ये सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहे हैं। तो सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल दिस एक्टिविटीज विल बी काउंटेड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नेम्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी हां स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये सारी एक्टिविटीज जो भी आप करते हो आएगी। तो अभी के अभी आप लोगों को जो भी काम आप सुबह से शाम तक 30-40 एक्शंस जो भी करते हो, आप अभी स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, आप यूट्यूब पर अजय सर की वीडियोस देखते हो, आप जो जो काम करते हो भाई, आपने कहा सर मैं इंग्लिश सीखता हूं, लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश आपको हिंदी में नहीं बोलना, इंसिस्ट यू टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। सर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन आई डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई जस्ट ब्रश माई टीथ एंड रीड न्यूज पेपर एंड वॉच न्यूज एंड ऑल्सो मेक टी फॉर माई मदर, फॉर माई फादर, एंड आई सर्व हिम टी, एंड देन आई टेक बाथ, देन आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई स्टार्ट स्टडिंग, और फिर मैं पढ़ने लगता हूँ। आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास फ्रॉम 10 o'clock, मैं 10 बजे से अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली जो जो काम आप कर रहे हो वो पूरा बोलना है। अभी मैं आपको सारे टेंसेस के यूजेस बताऊंगा, केयरफुली देखना, पूरे सेशन को एंड तक देखना तो ही फायदा ले पाओगे भाई। तो यहाँ पर आपने ये जो भी 30-40 एक्टिविटीज बोली है इसको आपको मोबाइल के सामने बोलना है, आपको इस सेशन को रिकॉर्ड करना है। आप चाहे तो इसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सुने कि आप कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप देखें उस चीज को, समझे कि आप कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं। याद रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा तो आपको उसमें V2 और भी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगानी है, हर जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरी बात, V5 आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टेंसेस में मैं आपको बता चुका हूं कि V5 आपका जो होता है ही शी इट नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में लगता है। तो उसके साथ में जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई क्या करता है ये बताइए, तो आप कहेंगे सर मेरा जो भाई है वो सुबह 8 बजे उठता है। सर माई ब्रदर्स वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग। अब देखो वेकअप में आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि माई ब्रदर आपका क्या है सिंगुलर, तो माई ब्रदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अर्ली इन द मॉर्निंग होता है कि लेट इन द मॉर्निंग, 8 बजे उठ रहा है तो लेट आ जाएगा। माई ब्रदर वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock, मेरा भाई जो है सुबह 9 बजे उठता है लेट। देन ही ब्रशेस हिज टीथ, ये देखो यहाँ ES लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि यहां पर जब आप अपने भाई के बारे में बोलेंगे तो आपको V5 यूज करना है, जब आप अपने बारे में बोलेंगे तो आपको V1 यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये दो सब्जेक्ट ही और आई
इन दोनों की बेसिस पर करनी है इस टेंस की प्रैक्टिस। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको ही और आई के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस जिसमें जो भी काम आपने किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ कि कल आपने क्या किया, तो आप कहेंगे सर कल मैं स्कूल गया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने ये काम किया। व्हाट एवर वर्क यू डिड यस्टरडे, यू सिंपली हैव टू स्पीक ऑल द एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म्ड यस्टरडे दैट यू डिड यस्टरडे। जैसे आपने कहा कल मैं लेट उठा, I woke up late in the morning yesterday. फिर मैंने ब्रश किया, then I brushed. फिर जो होता है स्टूडेंट्स, जिसको आपको फिर या इसके बाद, इसको इंग्लिश में आपको कहना है then, T-H-E-N then. T-H-A-N then नहीं यूज करना, आपको T-H-E-N then यूज करना है. फिर मैंने ब्रश किया, then I brushed my teeth. फिर मैंने नाश्ता किया, then I took breakfast. फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, देन आई रेड न्यूज़पेपर। फिर मैंने अपने फादर की उनके वर्क में मदद करी, देन आई हेल्प माय फादर इन हिज वर्क। तो इस तरीके से जो जो काम कल आपने किया आपको वी टू का यूज करके उसको बोलना है। इसके अलावा आप इसमें आई के साथ साथ ही के बारे में बोल सकते हैं, आपके भाई ने कल दिन भर क्या किया। आप चाहे तो अपनी सिस्टर के बारे में बता सकते हैं, अपनी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, उन्होंने कल क्या किया, वो सारी सिचुएशंस आपको इसमें बतानी है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि ये सिंपल पास्ट टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है स्टोरी टेलिंग में। जब आप किसी से बातचीत करते हो और आपको स्टोरी या इंसिडेंट के बारे में बताते हो, तो आपको बता दूं मैं मैक्सिमम सेंटेंस यू विल फाइंड फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस इन स्टोरी टेलिंग। एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि अगर आपको कोई भी पास्ट का इंसिडेंट सुनाना है तो बेझिझक आप वहां सिंपल पास्ट टेंस यूज करके बिल्कुल सुनाए कि उस दिन क्या हुआ, मैं वहां गया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बात करी, तभी वहां पर रोहन आ गया। दैट डे व्हाट हैपेंड, आई वेंट देयर, आई मेट हिम, आई टॉक टू हिम, एंड एट दैट टाइम रोहन रीच देयर, रोहन वहां पहुंचा, रोहन रीच्ड देयर। मैंने रोहन से दो मिनट बातें करी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आई टॉक्ड विद रोहन, आई टॉक्ड टू रोहन ओनली फॉर टू मिनट्स बिकॉज आई हैड नो टाइम, आई डिडंट हैव टाइम। तो आप इस तरीके से जो भी बातचीत पास्ट में करते हैं वो सारी सिचुएशन आपकी सिंपल पास्ट में जाती है भाई। अगर मैं बात करूं सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो ये वहां यूज होता है जो काम हम करेंगे या जो काम फ्यूचर में होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कल क्या क्या प्लानिंग है भाई, कल संडे हुआ, कल की क्या प्लानिंग है, तो आपने कहा भाई संडे के दिन तो भाई मैं घर पर रेस्ट करूंगा, मैं आराम करूंगा, घर पर रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घूमने जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। तो जो जो काम आप करोगे, वट एवर वर्क यू विल डू, जस्ट मेक दिस स्ट्रैटेजी बाय यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं कल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुमारो। कल मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क टुमारो। मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स। सो जो भी काम आप कल करोगे, यू सिंपली हैव टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के साथ में सेंटेंसेस को बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्या आपने किया, क्या आप करोगे, तो आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बीच में बैलेंस करना सीख जाओगे। एंड वंस यू लर्न हाउ टू बैलेंस अमंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। क्योंकि इंग्लिश बोलने में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लेकर होते हैं। जहां पास्ट टेंस लगना होता है वहां प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं, जहां फ्यूचर टेंस यूज करना होता है वहां प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सही तरीके से पता नहीं होता कि कैसे यूज करें। तो इस टेक्निक के थ्रू आप कमांड कर सकते हैं। देखो आती बहुत सारी चीजें हम लोगों को, क्या आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आता, आता है, क्या आपको सिंपल पास्ट नहीं आता, आता है, लेकिन प्रैक्टिकली बोलते इसलिए नहीं आता बिकॉज यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड। तो ये टेक्निक के थ्रू आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सुनिएगा ध्यान से, ये प्रैक्टिस आपकी 10 से 15 दिन तक स्टूडेंट कंटिन्यूस चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अभी वीडियो मेरा देखा, 10 मिनट प्रैक्टिस कर ली, हो गया, इंग्लिश सीख गए, जी नहीं, 14 टू 15 डेज यू हैव टू प्रैक्टिस इट कंटिन्यूसली, देन यू विल बी बेनिफिटेड। अगर आपको लगता है कि भैया 2 दिन के अंदर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है भाई, अपने अनुभव से बता रहा हूं। हम लोग हमारी क्लास में स्टूडेंट्स को 10 to 15 days तक कॉन्टिन्यूसली इन चीजों की प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाकर वो तैयार होते हैं। इसी तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो भी काम हो रहा है हम सबको पता है, लेकिन कब हो रहा है, अभी हो रहा है, ना हो रहा है, एट प्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं एट प्रेजेंट क्या क्या हो रहा है, तो आपने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। हम अजय सर की वीडियोस देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अजय सर वीडियो। आप मुझे बताइए आप अभी क्या हो रहा है आपके अराउंड, अब मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप, अभी आपके अराउंड क्या क्या हो रहा है। मम्मी किचन में काम कर रही है आपकी, आपके पापा जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपकी सिस्टर जो कुछ काम कर रही है, आपका ब्रदर जो क्रिकेट खेल रहा है। तो जो जो आपके सराउंडिंग में जो जो सिचुएशंस हो रही है उसको प्रैक्टिकली बोलो। आपने कहा एसी चल रहा है, एसी इज वर्किंग, एसी इज वर्किंग, फैन चल रहा है, फैन इज वर्किंग, कैमरा चल रहा है, कैमरा इज वर्किंग। आपने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। जो भी आपके अराउंड एक्टिविटीज हो रही है, यू सिंपली हैव टू स्पीक दैम।
जो भी एक्टिविटीज आप देख रहे हो, जो भी हो रहा है, वो सारा सब कुछ आप यहां पर बताओ। इसी तरीके से आप सिंपल पास्ट टेंस को भी बोलेंगे जिसमें जो काम हो रहा था। आप चाहे तो दो सेंटेंस को जोड़कर बोल दें, जब मैं वहां गया वह सो रहा था, व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज स्लीपिंग, जब मैं उससे मिला वह हंस रहा था, व्हेन आई मेट हिम ही वॉज लाफिंग। यू कैन ऑल्सो यूज इन दिस वे कि जब यह काम हो रहा था, यू नो, जब मैंने 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 जब उसे देखा ना तो वो सो रहा था, when I saw him first time he was sleeping। so you can see students, ये पांच टेंस ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होता है। इन पांचों टेंसेस की मदद से आप अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस देख सकते हैं। अगर आप एक न्यू लर्नर है, आपने जीरो से स्टार्टिंग करिए, क्योंकि सीरीज का नाम ही जीरो टू जानिद है। तो मेरा पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा इनिशिएटिव मिले, एक ऐसी कोशिश वो करे कि सीरीज के माध्यम से वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे। और साथ में याद रखना है स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस की वीडियोस नहीं देखोगे भाई, आपके अंदर इंप्रूवमेंट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस की वीडियोज जरूर देखें, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैंने पांच सेंटेंस आपको बताया और इनकी प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बताया। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना, और कसम खाने की कुछ भी हो हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।